जय जिनेंद्र, मैं सुमन राठौर। जय जिनेंद्र, आज हम बनाएंगे मीठी बूंदी। मीठी बूंदी बनाने के लिए ये बेसन लेंगे एक कटोरी। आप कोई भी कप या कटोरी आप अपने हिसाब से आप सेट कर लीजिएगा, उसी हिसाब से उसी माप से लेंगे हम। अब हम लेंगे 3/4 कटोरी दूध, नॉर्मल टेम्परेचर का ही है, और थोड़ा थोड़ा डाल के ही हमें इसे का बैटर बनाना है। एक साथ डालेंगे तो इसमें गुठलियाँ बढ़ जाएगी, तो एकदम थोड़ा थोड़ा डाल के इसका बैटर बनाएंगे, लम्स फ्री बैटर बनाएंगे। मैं दूध डाल रही हूँ, आप चाहो तो पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन दूध डालने से बूंदी का टेस्ट और अच्छा आता है। दूध थोड़ा थोड़ा ही करके डालेंगे, बेसन ज़्यादा दूध या पानी ज़्यादा खींचता नहीं है, तो हमें लम्स फ्री बैटर बनाना है। ये मैंने 3/4 दूध लिया है। अगर आपका बेसन थोड़ा सा अगर मोटा है तो 2 टेबलस्पून दूध और भी लग सकता है। और अब हम 2-3 मिनट के लिए अच्छा सा विस्क करेंगे, ताकि हमारा बेसन अच्छा हल्का हो जाए और हमारी बूंदी भी अच्छी बने। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून घी। अगर आप ऑयल से बना रहे हैं तो आप ऑयल डाल सकते हैं या वनस्पति भी डाल सकते हैं। अब इसमें डालेंगे ऑरेंज फूड कलर। मार्केट जैसे हम बना रहे हैं तो हम थोड़ा फूड कलर डाल रहे हैं। विस्क करेंगे वापस। अब हम 10 मिनट के लिए इस बैटर को रेस्ट रखेंगे। अब देखिए 10 मिनट रख दिया है, ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए हमें, एकदम फ्लोइंग कंसिस्टेंसी चाहिए हमें। बैटर अगर ज़्यादा गाढ़ा होगा तो बूंदी थोड़ी सी हार्ड बनेगी, और पतला होगा तो बूंदी चपटी बनेगी। अब हम इसमें डालेंगे पिंच बेकिंग सोडा। ये डालने से बूंदी हमारी अच्छी फूली फूली सी बनेगी, मार्केट जैसी बनेगी, हमारी चपटी नहीं बनेगी। वापस विस्क करेंगे। अब हम बूंदी बनाएंगे। अगर आपके पास ऐसी छलनी है तो इस छलनी से भी आप बना सकते हैं, और ये नहीं है तो ग्रेटर तो होता ही है, तो इससे भी आप बना सकते हैं। ये दोनों भी नहीं है तो नॉर्मल पूड़ी का जारा तो होता ही है, आज हम पूड़ी के जारे से हम बनाएंगे। अब हम बूंदी के लिए घी गरम कर दिया है। अब हम जारे में डालेंगे, एकदम जारे को ऊपर ही रखना है, ज़्यादा नीचे नहीं रखना है, और इसको कोई भी मूवमेंट नहीं करेंगे इसका। एकदम देखिए सीधी सीधी बूंदी गिर रही है, एकदम देखिए गोल गोल है बूंदी, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहा है, अपने आप से गिर रही है बूंदी। हमें बूंदी डालते वक्त आँच को तेज ही रखना है, और ये डालने के बाद आँच को थोड़ा सा कम मीडियम कर दीजिए, ताकि बूंदी अच्छे से सिक जाए। अब हल्का सा कलर आ जाए उतना हम फ्राई करेंगे। डालते ही हमें हलाना नहीं है, थोड़ी सी सिक जाए उसके बाद ही हम पलटेंगे। देखिए एकदम गोल गोल है, हल्का सा कलर भी आ गया है। अब हम बूंदी को निकालेंगे। हर बार में जारे को साफ करके ही डालना है। देखिए कुछ भी मूवमेंट नहीं करना है, अपना आप गिर रही है बूंदी। देखिए एकदम गोल गोल फूली फूली सी बनी है हमारी बूंदी, हल्का सा कलर आ जाए इसके बाद इसको निकालेंगे, जल्दी सिक जाती है ये। इतना अच्छा कलर आ गया है, निकाल लेंगे। अब देख सकते हैं एकदम एक सर की बूंदी गिरी है, बिल्कुल मोती जैसे है।
अब हम इसकी चाशनी बनाते हैं। चाशनी बनाने के लिए एक कटोरी हमने बेसन लिया था, तो एक कटोरी ये चीनी लेंगे और 3/4 कटोरी पौन कटोरी पानी डालेंगे। इसको बॉईल आने देंगे। अब चीनी घुल गई है, अब हमें तार वगैरह कुछ नहीं लेना है इसमें, सिर्फ चाशनी चिपचिपी हो जाए इतना ही पकाएंगे। अब चेक कर लेते हैं चाशनी को, बस चिपचिपी रहनी है, बस इतना ही हमें पकाना है। चाशनी को फ्लेम ऑफ कर देंगे, डालेंगे इलायची पाउडर और एक केसर की कुछ पत्तियां। अब ये जो बूंदी बना के रखी है वो डालेंगे, मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स कर दिया है, अब इसको आधा घंटा के लिए ढक देके रख देंगे। ये लीजिए तैयार है मीठी बूंदी, इस पर बादाम और पिस्ता की कतरन से गार्निश करेंगे। आप चाहो तो इसके लड्डू भी बना सकते हैं, लेकिन लड्डू थोड़ा सा गर्म हो तभी हमें लड्डू बनाना होगा, ठंडी होने के बाद लड्डू नहीं बनेगा। तो आप लड्डू भी बना सकते हैं, देखिए कितना अच्छा लग रहा है लड्डू, एकदम आसान तरीके से हमने घर पर बनाया है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा।